कि इसकी जो कहानी है, पहली बात तो बहुत ही महाझाटू कहानी है कि इस तरीके की कहानी मैंने आज तक हॉलीवुड की किसी वैम्पायर रिलेटेड फिल्म में देखा नहीं। अगर होगी भी तो अच्छा है मैंने वो नहीं देखा, क्योंकि ये इसने मेरा सर की दिमाग की दही भजिया वड़े इडली सब बना दी। वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि। तो आज हम लोग बात करें जिस वेब सीरीज की, वो वेब सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है वी वॉर्स। ये वेब सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रिलीज हुई है। इस वेब सीरीज में हमें 10 एपिसोड्स देखने को मिले। हर एपिसोड के लिए लगभग 56 मिनट से लेकर 38 मिनट से बीच में ये। इसमें हमें नजर आते आयन सोमरहेल्डर और एंड्रिन होम्स मेन लीड में। तो इस वेब सीरीज की कहानी शुरू होती आयन सोमरहेल्डर से, जिसका इस वेब सीरीज में नाम है डॉक्टर लूथर स्वान। डॉक्टर लूथर स्वान आजकल की जो क्लाइमेटिक चेंज हो रही है उसके डॉक्टर है, और वो अपने कलीग को ग्लेशियर यानी बर्फ पे भेजते हैं कि भाई वहां जाके रिसर्च करो कि बर्फ कितनी तेजी में पिघल रहा है। लेकिन काफी दिन होने के बाद उनकी कलीग का कोई अता पता नहीं होता, तो डॉक्टर लूथर अपने एक दोस्त माइकल के साथ ग्लेशियर्स पे जाते हैं। ग्लेशियर्स पे जाने के बाद वहां पर उनका कलीग तो उनको नहीं मिलता, लेकिन काफी चीजें वहां पे मैसी होती है, और वो समझ जाते कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसी बीच इनकी तबीयत वहां पे खराब होने लगती, तो अपने दोस्त को लेकर दोबारा वापस अपने शहर आ जाते। शहर आने के बाद जब इन लोग का ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में पता चलता है कि वो एक एंशियंट डिजीज था जो उस ग्लेशियर में था, लेकिन जो ग्लेशियर के मेल्ट होने पर वो भी मेल्ट हो गया, हवा में आइसोलेट हो गया, और उसी के थ्रू ये लोग भी बीमार हो गए। लेकिन इन लोगों को तभी भी पता नहीं चलता कि इसका रिएक्शन इनकी बॉडी पे क्या होने वाला है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग सब नॉर्मल हो गए, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि जो इनका दोस्त था माइकल में इसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, यानी कि उसकी आंखों की रोशनी तेज हो गई, उसके आंख में बहुत ज्यादा ताकत आ गई, प्लस वो बाजू के रूम में कोई लोग बात करते उसको सुनाई देता है। तो ये लोग समझते कि कोई नॉर्मल चीज होगी, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि माइकल ने 3 लोगों का मर्डर कर दिया, और मर्डर भी ये कि उसने जितने भी लोगों को मारा उनका खून चूस लिया। लेकिन जब ये लूथर को पता चलता है, लूथर किसी को बताता नहीं, ये बात छुपाता है। अब सोचने की बात यह है कि जब माइकल और लूथर दोनों ही उस जगह पे गए थे, तो लूथर इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब वहां से आने के बाद लूथर जब अपनी वाइफ के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाता, तो उसकी वाइफ भी इफेक्टेड हो जाती है उसी वायरस से, लेकिन लूथर क्यों नहीं होता? तो ये सारे के सारे जवाब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। और क्या आगे चल के माइकल और उसकी वाइफ ठीक होते हैं, यानी क्योर हो पाते हैं उस वायरस से, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वेब सीरीज, जिसका नाम है वी वॉर। अब मैं बताता हूँ कि ये वेब सीरीज मुझे कैसे लगी। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने वैम्पायर से रिलेटेड काफी फिल्में देख चुका हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है, लेकिन ये वेब सीरीज मुझे सच में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। इरिटेट करने की वजह है कि इसकी जो कहानी है, पहली बात तो बहुत ही महाझाटू कहानी है कि इस तरीके की कहानी मैंने आज तक हॉलीवुड की किसी वैम्पायर रिलेटेड फिल्म में देखा नहीं। अगर होगी भी तो अच्छा है मैंने वो नहीं देखा, क्योंकि ये इसने मेरा सर के दिमाग की दही भजिया वड़े इडली सब बना दिए। क्योंकि इसका जो विजुअल्स थे कहीं कहीं पे बहुत अच्छे लग रहे थे, कहीं पे इतने कार्टूनिस्ट लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कहानी के नाम पे कलंक है, और वेब सीरीज क्यों बनाए मुझे समझ में नहीं आता। इसकी एक 1.5 घंटे की फिल्म बनाते तो ज्यादा बेटर होती। एक्टर्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलता कि बेस्ट है, लेकिन चलो अच्छे है, लेकिन स्क्रिप्ट वाइज और एग्जीक्यूशन वाइज बहुत ही महाझाटू है। ये वैम्पायर पे बनाई गई वन ऑफ दी वर्स्ट वेब सीरीज में से एक होगी। अगर आप लोग को वैम्पायर से रिलेटेड फिल्में देखना पसंद है, तो आप एक काम करो, मैं बोलता हूँ अंडरवर्ल्ड जो सीरीज है उसके कोई भी एक पार्ट देख लो, आपको अच्छे लगेंगे। या तो फिर ह्यूग जैकमैन की एक फिल्म थी वैन हेलसिंग, वो देख लो, वो इससे 1000 गुना बेटर है। 2004 में आई थी फिल्म वैन हेलसिंग, और ये 2019 में आई एक वेब सीरीज, उसके लेवल की नहीं पहुंच सकती। सोचो कितनी घटिया वेब सीरीज होगी। मैंने सिर्फ अपना सर दुखाया और कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार इसका रिव्यू नहीं करूं, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 2 दिन पहले ये वेब सीरीज को देख चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका रिव्यू आज कर रहा हूं। क्योंकि वजह ये थी कि मैं सोचा कि जब मैं टॉर्चर हुआ था, क्यों ना अपने दोस्तों को बता दूं, क्योंकि आप लोग बच जाए सब चीजों से। अगर आप लोगों ने फिर भी ये टॉर्चर झेला है, तो आप बताओ कि आपको ये टॉर्चर कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियत लगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने कुछ देखा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना, और हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो। टिल देन बाय।